मैं स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो आ गया एज़ यूज़ुअल। जो कि पहले से मैंने बताया था कि आपका कोरिजेंडम नंबर 10 आएगा एनटीपीसी के रिगार्डिंग, क्योंकि इससे पहले मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के कोरिजेंडम नंबर 10 आ गए थे। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी 2 दिन पहले निकलता है और इसके बाद ये निकलता है। ये तो आपको भी याद हो गया होगा, जैसे ही आपने देखा होगा कोरिजेंडम नंबर 10 मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के। तो यहाँ पे फिर से पहले की बात है, इस बार भी आपका मॉडिफाइड कर दिया गया है डेट वगैरह। आप इसके वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिएगा आज का डेट में ये 17 यानी कि 5:30 बजे ये रिलीज किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, पहले डेट था 21 को आपका क्लोज होना था टेंडर, जो कि आपका फाइनली अब कर दिया गया है 5:10 को। ठीक है, यहाँ पे 21/9 को क्लोज होना था जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 दिन, जो कि मैं बता रहा हूँ कि हर एक बार 15-16 दिन का एक्सटेंशन होता चला आ रहा है। यहाँ पे बिडिंग डेट स्टार्ट की बात की जा रही थी कि पहले कहाँ था, 7/9/2020 यानी कि अभी ख़त्म ही होने वाला था बिडिंग डेट, जिसको कि फिर से आप कह सकते हैं कि 14 दिन यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो इसका जो ड्रामा है वो तो पता नहीं, इसका प्रॉब्लम क्या है कि कोरिजेंडम लगता है कि एक इतिहास लिखने वाले हैं ये कोरिजेंडम का। इसका अभी तक थम नहीं रहा है, ये कब तक जाएगा ये तो मुझे भी अब लगता है कि एक नौटंकी हो गया है। अब आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कोरिजेंडम कितना दूर तक जाएगा, क्या कोरिजेंडम ही सिर्फ रहेगा या एग्ज़ाम भी कभी आ सकता है। हालाँकि मैटर थोड़ा सा गर्म है, जिस तरह की अभी हवाएं चल रही है, हम लोग के मन में जिस तरह की गुस्सा है, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा रेलवे को, नहीं तो थोड़ा सा अगर अति हो गया, अभी तो ज्वाला सिर्फ भड़क रही है, अगर ज्वालामुखी फट गई तो आप समझ सकते हैं कि जलजला आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि रेलवे इस संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देगी और बच्चे के जो गुस्सा है उसको पेसिफाई करने की कोशिश करेगी, नहीं तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये कोरिजेंडम का नाटक इन्होंने खेला है, जल्द ही कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस इनको देखने पड़ सकते हैं जिस तरह से ये 10 तक आ गए हैं। कोई बात नहीं, हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकी तो आप भी समझदार हैं कि किस तरह से रिएक्ट करनी है इन रेलवे वालों पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई भी अपडेट आती है। हाँ, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो मैं तो आपको बता दिया हूँ भाई कि फरवरी से नीचे, ठीक है, फरवरी से नीचे आप मान के चलो कि कभी नहीं होगा, ये गारंटी मुझसे लिखवा के ले लो स्टैम्प पेपर पे। फरवरी से नीचे कोई भी अगर बोल देता है यूट्यूबर तो आपको सिर्फ बदगला के व्यूज बटोर रहा है, मैं आपको गारंटी लेके कहता हूँ 100%। नहीं तो मुझे आप कहीं भी कभी भी दिखा देना अगर इससे पहले हो जाए आपका एग्ज़ाम। तो ये फैक्ट है, कड़वा लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह से अभी कोरिजेंडम का नाटक चल रहा है, अब तो सिर्फ देखिएगा यहाँ पर 10वां महीना तक इन्होंने खींच लिया है, 2 महीना और बचेंगे, हो सकता है 2-3 कोरिजेंडम आएगा तो ये 12वां महीना भी खींच लेंगे। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये साल तो पूरा कोरिजेंडम का ही बहस चलेगा, उसके बाद पता नहीं क्या क्या ये लोग करेंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, पेशेंस तो हालांकि मुझे पता है कि आपके पास एकदम से एक्सट्रीम लेवल पर चला गया होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में बस यही कैंपेन वगैरह है, फिजिकली रूप से आप लोग कैंपेन कर नहीं सकते हैं, इस तरह के कंडीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।